42 सालों तक झारखंड के मोहती के लोग, राम भक्त लोग इंतजार करते हैं कि किसी दिन तो यहाँ का प्रशासन का दिल पसीजेगा और हमारे रामलला का शोभा यात्रा भव्य तरीके से इस रास्ते से गुजरेगा। जब झारखंड में शांतिपूर्वक ईद मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक बकरीद मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाया जा सकता है, तो झारखंड में शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं निकाला जा सकता है? जय श्री। तो जिस प्रकार से हम लोग अमरनाथ गुफा का दर्शन करते हैं, बाबा बर्फानी का दर्शन करते हैं, और सरकार जो है निगरानी करता है और दोनों तरफ से सेना के जवान खड़े रहते हैं, उस प्रकार से झारखंड में भी मोहद्दी में दोनों तरफ से सेना के जवान को खड़ा कर दो, रामलला का तो भव्य शोभा यात्रा निकलेगा और अगले साल फिर से निकलेगा, संवैधानिक तरीके से निकलेगा, प्यार से निकलेगा, पत्थर हाथों में लेके नहीं निकलेगा। एगो बिहार का नौवा फेल सरकार एगो यूट्यूबर को जेल में डाला था, हम जब कहे थे तो सब लोग कह रहा था कि पागल है, पगला गया है, सरकार नहीं गिर सकता है, 180 दिन बोले थे, 38 दिन के अंदर गिर गया। हम फिर बोल रहे हैं कि कोयला चोर सरकार गिरेगा, 100% गिरेगा, और अगली बार नई सरकार झारखंड में बनेगी और भव्य रामनवमी का शोभा यात्रा निकलेगा। सोरेन सरकार गिनती चालू कर लो, कैलेंडर पे उल्टा काटना शुरू कर दो, क्योंकि नया साल में झारखंड में नई सरकार रहेगी, ये मैं वादा करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा, हर जगह मैं कहता हूँ, इस प्रकार का जहाँ भी रैली और सभा होता है, हम लोगों को कानून को हाथ में नहीं लेना है। हर जगह मैं कहता हूँ, कानून के साथ मिलके जो है हम लोगों को इंसाफ दिलाना है, पहला चीज। दूसरा चीज, सरकार ऐसी है कि हमारी एक छोटी सी भूल जो है उसका इंतजार सरकार कर रही है कि हम लोग गलती करें और हम लोगों को फंसाया जाए, तो हम लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे तो बिना गलती का भी फंसा दिया जाता है, तो हर चीज का ध्यान रखना है। हम झारखंड सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, एक सवाल सिंपल, कोई धार्मिक बातें नहीं करेंगे, कोई एग्रेसिव बातें नहीं करेंगे। जब झारखंड में शांतिपूर्वक ईद मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक बकरीद मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक गुड फ्राइडे मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक बड़ा दिन मनाया जा सकता है, झारखंड में शांतिपूर्वक जब नया साल मनाया जा सकता है, तो झारखंड में शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं निकाला जा सकता है? जय श्री राम। क्यों भाई, क्यों आक्रोश? हम आपके भाई नहीं है क्या? हम आपको जो है आजादी के साथ रहने देते हैं, आप हमें आजादी के साथ रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकालने देंगे? बताइए, यानी कहने का मतलब यह है कि या तो इस एफआईआर के हिसाब से, इस एफआईआर के हिसाब से, मनीष कश्यप के हिसाब से नहीं, इस एफआईआर के हिसाब से हिंदू विरोधी एफआईआर साबित कर रहा है कि हिंदू विरोधी मुसलमान लोग होते हैं, ये एफआईआर लिखा हुआ है, मनीष कश्यप नहीं कह रहा है। और अगर मुस्लिम लोग हिंदू विरोधी नहीं है, तो हिंदू विरोधी जो है यहां की सरकार है। अब पता कीजिए आप लोग कि आखिर हिंदू विरोधी है कौन। ये एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां से जब जुलूस निकल रहा था तो वहां के लोगों में आक्रोश था। हम 550 सालों तक संविधान की और कोर्ट का गुहार लगाते हैं कि हमारे रामलला को टेंट से हटा के जो है मंदिर में विराजमान कर दो। 550 सालों तक, कितने सालों तक? 550 सालों तक हम इंतजार करते हैं। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को जिस बख्तियार खिलजी ने जलाया, उस बख्तियार खिलजी के नाम पे स्टेशन होता है नालंदा में, पटना में, उस बख्तियार खिलजी के नाम पे स्टेशन होता है। और 850 सालों तक हम दुनिया का प्रथम यूनिवर्सिटी का इंतजार करते हैं कि कोई तो महापुरुष आएगा और इस यूनिवर्सिटी को बनाएगा। और 850 सालों तक हम कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, और संवैधानिक तरीके से हम
नालंदा विश्वविद्यालय बनाते हैं। 42 सालों तक झारखंड के मोहती के लोग, राम भक्त लोग इंतजार करते हैं कि किसी दिन तो यहाँ का प्रशासन का दिल पसीजेगा और हमारे रामलला का शोभा यात्रा भव्य तरीके से इस रास्ते से गुजरेगा। ये रास्ते पे हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा है, मंदिर है दोनों साइड, तो क्या मुसलमानों को चलने से प्रतिबंधित कर दिया जाए? जब हम मुसलमानों को चलने से प्रतिबंधित नहीं करते हैं तो क्या हम मुसलमानों के गांव से रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते हैं? क्यों भाई, वो मेरा भाई नहीं है, मुसलमान मेरा भाई नहीं है, वो मुझे आदेश नहीं देगा कि भाई तुम अपने रामलला का भव्य शोभा यात्रा हमारे गांव से निकाल लो, वो आदेश नहीं देगा। और अगर वो आदेश नहीं देगा तो जिस प्रकार से हम लोग अमरनाथ गुफा का दर्शन करते हैं, बाबा बर्फानी का दर्शन करते हैं, और सरकार जो है निगरानी करता है और दोनों तरफ से सेना के जवान खड़े रहते हैं, उस प्रकार से झारखंड में भी मोहद्दी में दोनों तरफ से सेना के जवान को खड़ा कर दो, रामलला का तो भव्य शोभा यात्रा निकलेगा और अगले साल फिर से निकलेगा, संवैधानिक तरीके से निकलेगा, प्यार से निकलेगा, पत्थर हाथों में लेके नहीं निकलेगा, हाथों में जो है प्यार लेके निकलेगा और फूल लेके निकलेगा, देखते हैं कौन रोकता है। ये सरकार को पता ही नहीं था कि क्या हो सकता है। एगो सरकार हमको गिरफ्तार किया था, नौवा फेल सरकार, एगो नौवा फेल सरकार हमको गिरफ्तार किया था। कुछ लोगों ने बोला कि तेजस्वी जी ने पेपर लीक कराया, हमने बोला कि नहीं, वो नहीं करा सकते हैं। लोगों ने पूछा का है, हम बोले कि लीक कराना होता तो दसवां नहीं पास कर जाते। उनके बाबूजी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो लीक करा के ही पास होना होता तो खुद दसवां पास कर गए होते। उनके लोगों ने लीक कराया है, हमने क्लियर किया। एगो बिहार का नौवा फेल सरकार एगो यूट्यूबर को जेल में डाला था, हम जब कहे थे तो सब लोग कह रहा था कि पागल है, पगला गया है, सरकार नहीं गिर सकता है। 180 दिन बोले थे, 38 दिन के अंदर गिर गया। हम फिर बोल रहे हैं कि कोयला चोर सरकार गिरेगा, 100% गिरेगा, और अगली बार नई सरकार झारखंड में बनेगी और भव्य रामनवमी का शोभा यात्रा निकलेगा, और किसी को हिम्मत नहीं होगा कि कोई पत्थर चला दे, क्योंकि पत्थरबाजों के हाथ में भी हम लोग फूल थमा देंगे। जिस प्रकार से कश्मीर से पत्थरबाजों को हम लोगों ने खत्म कर दिया, उस प्रकार से मोहद्दी से भी पत्थरबाजों को हम लोग खत्म कर देंगे और भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। लेकिन मैं फिर से कह देना चाहता हूं, ये हजारीबाग की ऐतिहासिक धरती है, कोई भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। हम तुम्हारे अल्लाह को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, हम ईसा मसीह का भी गुणगान करते हैं, तो हमारे राम का गुणगान अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम राम का शोभा यात्रा तो निकलने दो। ये देश में बहुसंख्यक कौन है? झारखंड में बहुसंख्यक कौन है भाई? तो राम का शोभा यात्रा निकाल क्यों नहीं सकते हैं? कल को अगर 10 आदमी आके यहाँ पे खड़ा हो जाए और कह दे कि ये मंदिर के वजह से हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें आरती हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इसको बंद करो, तो क्या सरकार फरमान जारी कर देगा कि मंदिर में आरती बंद हो जाना चाहिए? बताइए, नहीं, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। गलत, एकदम गलत, एकदम गलत, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। कल को जो है इसी में कोई साजिश करके जो है उधर तोड़फोड़ कर देगा, साजिश करके कर देगा। अरे ये लोग भी हमारे तो चचा भाई काका जो है लगते हैं, ये लोग भी तो हमारे ही के बीच के हैं ना, ये पुलिस वाले हैं कि नहीं है? ये लोग थोड़ी चाहते होंगे कि हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करे, ये लोग नहीं चाहते होंगे, इनके दिल से पूछिए, ये जितने लोगों के हाथों में लाठी है, पुलिस वालों के हाथों में लाठी है, ये लोग नहीं चाहते होंगे। लेकिन जब ऊपर से दबाव आता होगा कि थाना प्रभारी तुमको सस्पेंड कर देंगे और वहां के जो है एसपी साहब तुमको सस्पेंड कर देंगे अगर राम भक्तों के ऊपर लाठी चार्ज नहीं करोगे, तो लाठी चार्ज ऑटोमेटिक हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो हमें इन लोगों से नहीं लड़ना है। ये लोग, सरकार गलत है तो आज सुरक्षा गलत जगह दे रहे हैं, सरकार सही हो जाएगा तो ये लोग हमारे सुरक्षा में खड़े हो जाएंगे। ये लोग, जितने भी लोग पुलिस वाले इधर है ना, ये लोग हमारे सुरक्षा में खड़े हो जाएंगे। यानी गलत कौन है?
बदलना किसको है, हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है? प्रशासन के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, याद रखना। किसके खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है? प्रशासन के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। ओ भैया, पेंशन आप लोगों का हम ही लोग चालू करवाएंगे। सरकार ने जो टेंशन दे के रखा है ना, वो पेंशन के लिए हम ही लोग लड़ेंगे, याद रखिएगा। और ए मंदिर पर आंगन में झूठ नहीं बोलते हैं, 20 गो वीडियो पेंशन पे बना चुके हैं आप लोगों के, पेंशन पे जाके हमारे यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा। तो आप लोगों के भी लाठी को पता होना चाहिए, भैया जो 2002 से पहले के हैं पेंशन उठा रहे हैं उनको किसी बात का टेंशन नहीं है, लेकिन 2002 के बाद से जो युवा बहाली हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट में, चाहे वो झारखंड पुलिस डिपार्टमेंट में चाहे बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में, उसको तो भाई टेंशन है। और उसके लिए हम ही राम भक्त काम आएंगे, याद रखिएगा लोग। तो लाठी चलाने से पहले आप लोगों को भी पता रहना चाहिए कि किसका लाल करना है, ये चीज याद रखिएगा लोग। हम सही बोल रहे हैं, और जाके देखिएगा लोग, हमने कम से कम 20 से ज्यादा वीडियो बनाया है पेंशन के लिए, आप लोगों के पेंशन के लिए। तो राम जी का आशीर्वाद होगा तो पेंशन मिलेगा आप लोगों को, और राम जी नाराज हो जाएंगे तो टेंशन में जो है वो टेंशन में जो है आपका नौकरी खत्म हो जाएगा, ये चीजें है। तो उम्मीद है हम फिर जाएंगे, हम वादा करते हैं, हम 20 से ज्यादा वीडियो बना चुके हैं, फिर जाएंगे आप लोगों के पेंशन के लिए वीडियो बनाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग भी सही काम कीजिए, आप लोग भी सही जगह लाठी चार्ज कीजिए। सिंघम बनना है ना, बनना है कि नहीं आप लोगों को सिंघम? तो अगर सिंघम बनना है ना तो अपराधियों के ऊपर लाठी चार्ज कीजिए, अपराधियों को पकड़िए। आप लोगों के आंखों के सामने जो है रोड पे एक ठेकेदार भ्रष्टाचार करके चला जाता है, अस्पताल में जो है लोगों की मौत हो जाती है, ब्लॉक में जो है घोटाला होता है, और लाठी गिरता है अमन कुमार जैसे लोगों पे, तो बड़ा दुख होता है। आप लोगों के भी घर में बाल बच्चे हैं, ईमानदारी से काम कीजिएगा ना, तो कल को आपका बाल बच्चा जो है जब IAS IPS बन जाएगा ना, तो सैल्यूट करते हुए फोटो हुआ वायरल होता है ना, एगो सिपाही जो है अपनी बेटी को सैल्यूट करता है, एगो कांस्टेबल जो है हेड कांस्टेबल जो है अपने बेटा को सैल्यूट करता है, तो पूरे देश में वायरल होता है कि नहीं होता है? जानते हैं क्या है? क्या है कि वो सिपाहिया बड़ी ईमानदार रहता है, इसलिए उसका बेटवा IAS IPS बन जाता है। कहीं असंवैधानिक बात नहीं किए हैं हम, अमन कुमार के साथ साथ सामाजिक बात भी किए हैं, आप लोगों को भी बताए हैं, इसलिए बताए हैं कि आप और हम, प्रशासन और लोग दोनों मिलके ही झारखंड को या इस देश को आगे लेके जाएंगे। सरकारें तो आएंगी, सरकारें जाएंगी, और सिर्फ लूटने का काम करेंगी, तो सबसे पहले जनता को और प्रशासन को दोनों को ईमानदार बनने की जरूरत है। और अगर जनता और प्रशासन दोनों ईमानदार हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं अगले साल मोहद्दी में शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस भी निकलेगा, और किसी के ऊपर FIR भी नहीं होगा, और प्रशासन भी खुश और लोग भी खुश और झारखंड के सारे जनता खुश। इस बार भी शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस निकल चुका था, वापस आने के समय में राजनीति हुआ। और देखिए, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, 2 महीना पहले FIR हुआ, कितना महीना? झारखंड सरकार को उम्मीद था कि हजारीबाग में BJP नहीं जीतेगी, 2 महीना पहले FIR करता है, ठंडा बस्ते में डाल देता है, सारा लड़का सब रोड पे घूमता है, पुलिस से हाथ मिलाता है, कोनो गिरफ्तारी नहीं होती है। आज जब 2,70,000 वोट से हार होता है हजारीबाग में, कितना वोट से? 2,70,000 वोट से हार होता है हजारीबाग में, तो 2 महीना बाद आनन फानन में गिरफ्तारी चालू होता है राम भक्तों का, कि बदला लेंगे हम राम भक्तों से। तो बाबर भी आया था बदला लेने के लिए, उसके बाद से औरंगजेब भी बदला लेने का प्रयास किया, अब बहुत दिनों से जो है ना कुछ पार्टी के लोग भी बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन दुनिया का सबसे पुराना धर्म था, जो सबको साथ में लेके तब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और आज से 1000 साल बाद भी सनातन जिंदा रहेगा और सनातन सबको साथ लेके चलेगा, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम भी यही सिखाते हैं। एक माँ जो है यहाँ पे दर्द में है, इस माँ के बेटे का गुनाह तो बता दीजिए,
और सिर्फ अमन नहीं, एक और अजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं और 1000 अज्ञात लोग हैं और 32 को ज्ञात लोग हैं इस FIR में, 2 FIR हुआ है। ये हजारीबाग क्रांतिकारियों की धरती रही है और यहीं से शुरुआत होगा झारखंड का सोरेन सरकार। गिनती चालू कर लो, कैलेंडर पे उल्टा काटना शुरू कर दो, क्योंकि नया साल में झारखंड में नई सरकार रहेगी, ये मैं वादा करता हूं। और वो सरकार, और जब नई सरकार आएगी ना, याद रखिएगा लोग, आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कीजिए, अगर हम लोग गलत करें तो लाठी चार्ज हम लोगों पे कीजिए, और गलती नहीं करें तो भैया आप लोग भी हम लोगों के ही खून के अंग हैं। आप लोगों से हमारा खून जो है अलग नहीं है, हम लोगों का खून अलग नहीं है। चलिए ना साथ मिलके झारखंड को बदलते हैं, बड़ी लूटा है सब झारखंड को, और जब लूट रहा है ना तो उसमें आपको लगता होगा कि कंधे पे 2 स्टार लग गया, 3 स्टार लग गया और 1 अशोक स्तंभ लग गया तो आप बच जा रहे हैं। नहीं, आज जो है आप नौकरी में है, कल आपका बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो आपको और हमको, हम सबको मिलके जो है झारखंड को बचाना होगा, लुटेरी सरकार को हटाना होगा, और रामनवमी का जुलूस के साथ साथ ईद बकरीद भी शांति से मनाए, नया साल भी शांति से मनाए, हिंदू भी खुश रहे, मुसलमान भी खुश रहे, और हर धर्म को न्याय मिले और किसी के साथ अत्याचार ना हो, ये प्रयास करना होगा। तैयार हैं आप लोग? हाथ उठाइए, कौन कौन तैयार है? प्रशासन के लोगों को भी हाथ उठाना पड़ेगा, क्योंकि शांति का संदेश मैं दे रहा हूं, कोई क्रांति की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग झारखंड की शांति के लिए तैयार हैं? उठाइए लोग हाथ, अब देखिए, उठाइए, सुनिए, प्रशासनिक अधिकारी, आप लोगों से कोई शिकवा गिला नहीं है, कि आप लोग झारखंड के शांति के लिए हाथ नहीं उठा सकते हैं? उठाइए, ड्यूटी पे शांति का गुहार कर रहा हूं मैं। क्या है हेमंत सोरेन? बालू चोरी, कोयला चोरी, जमीन चोरी, पत्थर चोरी, वो पता है क्या? ओबी सेना का जमीन चोरी, तो उन सब के खिलाफ जो है शांति का संदेश लेके आया हूं मैं हजारीबाग में, और एक दिन मैं वादा करता हूँ कि आज भले आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाए, लेकिन एक ना एक दिन झारखंड के सुख समृद्धि के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का भी हाथ उठेगा, और उस दिन मैं गर्व महसूस करूंगा। जय हिंद। मंत्री जी के नौकर के घर क्या करो? झारखंड में मंत्री जी के नौकर के घर क्या करो? झारखंड में मंत्री जी के नौकर के घर क्या करोड़? उस 40 करोड़ रुपया से 4 लाख लोग के तो कम से कम भला हो सकता था, होता कि नहीं होता? होता ना। का और कौन सांसद? 321 करोड़। धीरज साहू कितना करोड़? 321 करोड़। अगर लूटा नहीं होता तो जितने भी पुलिस वाले हैं उनका भत्ता तो बढ़ता कि नहीं बढ़ता? थाना में बैठे रहते हैं लोग, खटारा गाड़ी से चलना पड़ता है, बढ़िया गाड़ी तो मिलता। आ जैसे दूसरे राज्य में पुलिस के बच्चों को पढ़ने के लिए पुलिस स्कूल केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पे बना है, झारखंड में भी तो पुलिस स्कूल बनता। और 320 करोड़ लूटा नहीं होता तो जैसे आर्मी को CSD कैंटिंग स्टोर डिपार्टमेंट से सामान सस्ता मिलता है, वैसे ही झारखंड में भी पुलिस स्टोर डिपार्टमेंट खुलता और सिपाही, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI SI को फायदा तो होता। DSP के लेवल के ऊपर के लोग जो है वो अपना पेट पाल लेते हैं, उसके नीचे ही के लोगों को दिक्कत होता है, सही है कि नहीं है? दिल जानता है, DSP के लेवल के नीचे के लोगों को ही दिक्कत होता है, उसके ऊपर के लोगों को नहीं दिक्कत होता है। तो 321 करोड़ जो लूटा है
उसको आप लोग पकड़िए, राम भक्तों को मत पकड़िए। और यहाँ आप लोग नहीं भी रहिएगा ना, एको को पुलिस वाले नहीं भी रहेंगे ना, तब मैं वादा करता हूँ कि ये सभी राष्ट्रवादी हैं, इस राष्ट्र का एक पत्थर का टुकड़ा भी किसी के ऊपर नहीं फेंकेंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? एक पत्थर का टुकड़ा भी यहाँ के लोग किसी के ऊपर नहीं फेंकेंगे भैया, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए वहां पे खड़ा होइए जहाँ पे आपराधिक घटना जो है वो दिन रात हो रहा है। सही बात है।